हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो ये आपका प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये आपके चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं दो पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी ग्लोबल इंटरप्राइजेस होती हैं, ठीक है। तो आप वो दोनों पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज में PSU, यानी कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं उनमें क्या क्या रोल चेंज हुए हैं, यानी ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की अगर हम रोल की बात करें, तो रोल इसके काफी चेंज हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके ईयर्स चेंज होते गए हैं, पब्लिक सेक्टर के रोल भी ज्यादा चेंज होते गए हैं। तो इस पे एक ग्राफ भी बन सकता है, कभी बहुत ज्यादा रोल था, कभी बहुत कम रोल था, फिर आगे जाके और बढ़ गया रोल, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंज होता रहा है पब्लिक सेक्टर में। तो आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर को क्रिएट किया है गया है दो तरह के ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, ठीक है। टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द काउंट एंड टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ एमंग पीपल। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, अचीव करना, ठीक है, और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम का और वेल्थ का लोगों के लिए, मतलब ठीक है, लोगों के लिए कि इक्वल वेल्थ और इक्वल इनकम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के लिए। तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए पब्लिक सेक्टर को इंडिया में क्रिएट किया गया है, ठीक है। द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर चेंज विथ टाइम। तो टाइम के अनुसार रोल जो है पब्लिक सेक्टर का वो धीरे धीरे चेंज होता गया। इट रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो इसका रोल काफी चेंज होता गया। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरीज, हैवी मशीनरी इट्स। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, ठीक है, हर जगह कुछ नया डेवलप करना था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, हैवी इन्वेस्टमेंट करना था। तो जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की बात आती थी प्राइवेट सेक्टर वहां से दूर भागने लगता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, ना कि हैवी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो वहां पे पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ा, बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट विलिंग टू एंटर दीज एरियाज। तो प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज में इसलिए इंटर नहीं करना चाहा क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और ज्यादा टाइम पीरियड भी लगता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ से दूर चला गया। द ड्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज असाइन टू द पब्लिक सेक्टर विच इज डिस्चार्ज क्वाइट इफिशियंटली। तो जो ड्यूटी हो जाती है डेवलपमेंट करने की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पब्लिक सेक्टर की हो जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो भाग नहीं सकता ना प्राइवेट सेक्टर की तरह, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस की बात हो रही है। अर्लियर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वॉज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज लाइक पॉट टाउन्स। तो हुआ क्या कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही डेवलप किया गया, जहां पर कुछ नहीं था वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड फॉर एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड एरियाज मेनी इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप बाई पब्लिक सेक्टर इन दोज एरियाज। तो ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई भी वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहां पर क्या किया गया, रीजनल बैलेंस बनाया गया, जहां जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ था वहां पर डेवलपमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इट्स ह्यूज कैपिटल एंड लार्ज बेस आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इकोनॉमिकली।
सच एरियाज वे आर टेकन अप बाय द पब्लिक सेक्टर। तो जहां पे भी ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व थी या ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, वहां पर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने उसको अंडरटेक कर लिया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उससे दूर जा रहा था। तो जैसे कि नेचुरल गैस की बात हुई, पेट्रोलियम के उसकी बात हुई, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाने की बात हुई, तो यहाँ पर इन सब के फंक्शंस में जहाँ पर ज्यादा ज्यादा कैपिटल लगती है उस एरियाज में पब्लिक सेक्टर ने अपना वर्क शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो दीज इंटरप्राइजेस वे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर। तो इन इंटरप्राइजेस को इसलिए भी बनाया गया था कि ये प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट कर सके, एंड टू चेक देयर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और उनकी मोनोपोली को चेक कर सके और उनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको एक हद तक रेस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है, उस पर रोक लगा सके। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पब्लिक इंटरप्राइजेस वे आर ऑल्सो इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स विच वे आर अर्लियर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो कैपिटल इक्विपमेंट में भी प्रोडक्शन को इंगेज किया गया, ठीक है, जहां पर अदर कंट्रीज भी इम्पोर्ट कर रही थी। एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक एसटीसी एंड एमएमटीसी हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो आपकी एसटीसी या एमएमटीसी कंपनीज थी, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था एक्सपोर्ट्स करने के लिए कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल वॉज असाइन टू पब्लिक सेक्टर बट इट्स परफॉर्मेंस वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री विच फोर्स गवर्नमेंट टू बी री थिंकिंग ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पब्लिक सेक्टर का, जो ड्यूटी असाइन की गई थी पब्लिक सेक्टर को कि वो एक्सपोर्ट करे, लेकिन इससे जो है गवर्नमेंट उतना सेटिस्फाई नहीं थी, उसको दोबारा सोचना पड़ रहा था पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में कि क्या जो ड्यूटी इनको असाइन की गई है एक्सपोर्ट्स की, वो ये सही से कर रही है या नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड फोर मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। तो जब हम अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने कुछ फोर मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं पब्लिक सेक्टर में। चलिए देखते हैं, पहला है आपका रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर रखा था पब्लिक सेक्टर ने, उसमें कम उसको कम किया गया, रिडक्शन किया गया, ठीक है। दिस नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17, पहले क्या था कि 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर ने रिजर्व कर रखा था, उसके बाद उसको 17 से 8 किया गया एंड बाद में उसको 3 किया गया 2001 में। तो 2001 में केवल 3 ऐसी इंडस्ट्रीज बची जिनको पब्लिक सेक्टर ने रिजर्व कर रखा था, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर कर सकती थी। दीज 3 इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो 3 इंडस्ट्रीज थी ये आपके एटॉमिक एनर्जीज की थी, आर्म्स की थी और रेल ट्रांसपोर्ट की थी। नेक्स्ट हमारा जो रिफॉर्म्स था वो क्या था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि कुछ आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। अंडर दिस गवर्नमेंट लेज डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर एंड गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू बोर्ड द मैनेजमेंट बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट्स। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ दिया, कुछ राइट्स दिए पब्लिक सेक्टर को और एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी कि वो अपने मैनेजमेंट को अच्छे से कर सके, पब्लिक सेक्टर अपना इंक्रीज कर सके, और उसके लिए अकाउंटेबल भी वो खुद ही थे पब्लिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वेयर शोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। तो क्या होता था, पब्लिक सेक्टर के जो इक्विटी शेयर्स थे उसको जो है सोल्ड किया जाता था प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक को भी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये एक्सपेक्ट करके कि इससे हो सकता है पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन थोड़ा अच्छा हो जाए, इसलिए इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई गई कि वो अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक को सेल करने लगे। नेक्स्ट है हमारा रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइवल। ऑल पब्लिक सेक्टर शिप यूनिट्स वेयर रेफर्ड टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। यूनिट विच आर वेयर पोटेंशियली वाइबल वेयर रीस्ट्रक्चर्ड एंड विच कुड नॉट बी रिवाइवल रिव्यूड वेयर क्लोज्ड बाय द बोर्ड।
तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR ने क्या किया कि ऐसी यूनिट्स जिनको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता था पब्लिक सेक्टर की, उनको तो रिस्ट्रक्चर किया गया, लेकिन ऐसी यूनिट जिनको रिव्यूट करने के बाद भी वो रिस्ट्रक्चर नहीं की करने लायक थी तो उनको बोर्ड ने क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल और ग्लोबल इंटरप्राइजेस की। तो इसके नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरप्राइजेस है उसको हम कहेंगे कि ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जिसका काम पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेडिंग वगैरह करती है। तो ग्लोबल बिजनेस जनरली रिफर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं तो वही आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। तो ऐसी इंटरप्राइजेस आपकी ग्लोबल इंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस कहलाती हैं। ठीक है, ए कंपनी विच इज डूइंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी कंपनी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करती है, दैट बिजनेस आर कॉल्ड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस कहते हैं। और अ कंपनी दैट हैज बिजनेस ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज बाय हैविंग इट्स फैक्ट्रीज ब्रांचेस और ऑफिसेस इन दोस कंट्रीज, या फिर ऐसी कंपनी जिसके कई ब्रांचेस है कई कंट्रीज में, वो अपना बिजनेस ऑपरेशन करती है, फॉर एग्जाम्पल कई कंट्रीज में उसकी फैक्ट्रीज हैं या ब्रांचेस हैं या ऑफिस हैं, तो वो भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में आ जाती है। चलिए अब इनके फीचर्स देखते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी या जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होती है उसमें ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती है। सीधी सी बात है कि जब ग्लोबल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। MNCs possess huge capital resources and they are able to raise lot of funds from various sources. उनको कई सोर्सेज से फंड भी मिल जाती है और वो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशंस। MNCs has production, marketing and other facilities in several countries. तो इंटरनेशनल ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि कई कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, लेकिन इनका जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, तो इनका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। MNCs have headquarters in their home countries. तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं उनकी कंट्री में। फ्रॉम देयर दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेज एंड सब्सिडियरीज, तो वो अपनी कंट्री में जो उनकी होम ब्रांचेस होती है उसी से वो सारी अदर ब्रांचेज और सब्सिडियरीज को कंट्रोल करती हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ओनली बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू देम, इट प्रोवाइड्स ओनली ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू देम एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस इन देयर डे टू डे ऑपरेशन। तो ये जो अलग ब्रांचेज और सब्सिडियरीज होती है उनको केवल ब्रॉड पॉलिसीज बताती है, अपने ब्रॉड पॉलिसीज फ्रेमवर्क बताती है और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता अदर ब्रांचेज का इनके डे टू डे ऑपरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन कोलेबोरेशन, यूजली दे इंटर इन टू एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूज ऑफ ब्रांड नेम इट्स विद लोकल फर्म्स इन द होस्ट कंट्री। तो इनका जो है एक फॉरेन कोलेबोरेशन होता है, ये यूजुअली एग्रीमेंट के थ्रू इंटर करती हैं टेक्नोलॉजी सेल करने में या प्रोडक्शन करने में गुड्स की या फिर ब्रांड नेम में। ठीक है, लोकल फर्म से होस्ट कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ग्लोबल लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी ही होगी। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन पोसेस एडवांस्ड एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी विच इनेबल देम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विसेस। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करती हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तभी तो सारे वर्ल्ड में हम बिजनेस कर पाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, एक क्लास नहीं होगा उसका, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन, तो प्रोडक्ट भी इनोवेटिव होते हैं यानी नए नए प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, MNCs have highly sophisticated research and development departments, इनके जो है एक डेवलपमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं। दीज आर इंगेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, जो कि क्या करते हैं नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में इंगेज भी होते हैं और सुपीरियर डिजाइन भी बनाते हैं, एक पुराने प्रोडक्ट को नए डिजाइन के फॉर्मेट में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केट स्ट्रेटजीज,
एमएनसीज यूज एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटेजीज, देयर ब्रांड्स आर वेल नोन एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ प्रमोशन। तो इनकी ब्रांड्स जो होती हैं वो सबको पता होती हैं और ये बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट में या सेल्फ प्रमोशन में। सीधी सी बात है, जब वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करना है तो हमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा सेल को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस चल पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये अभी तक तो हमने पढ़ा ग्लोबल इंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर्स की। इसके नाम से ही क्लियर है कि ज्वाइंटली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर्स की बात करते हैं। चलिए, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स टुगेदर एस्टेब्लिश अ न्यू इंटरप्राइज, जब जब दो या दो से अधिक इंटरप्राइजेस मिलकर के, इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर के कोई नई इंटरप्राइज क्रिएट करती हैं बाय पुलिंग देयर कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज, इट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। तो उन्हीं इंटरप्राइजेस को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक इंटरप्राइजेस या इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर के जब कोई एक नई अपनी इंटरप्राइज बनाती हैं और उसमें अपनी कैपिटल और टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज को भी इन्वॉल्व करती हैं, तो वही क्या कहलाती है, ज्वाइंट वेंचर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कंपनी। तो हीरो साइकिल इंडिया की जो है और होंडा मोटर्स कंपनी जो है उन्होंने जापान की, वो ज्वाइंटली इस्टेब्लिश हो गई हीरो होंडा में। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइंट वेंचर कहेंगे हीरो होंडा को। सिमिलरली सुजुकी मोटर्स ऑफ जापान एंड मारुति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो सुजुकी मोटर्स है और जो मारुति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों कम टूगेदर टू फॉर्म मारुति उद्योग। तो ये दोनों मिल करके मारुति उद्योग में हो गई कंबाइंड। ठीक है, तो ये आपकी ज्वाइंट वेंचर्स कहलाती है। चलिए अब इसके भी फीचर्स देख लेते हैं। कैपिटल इज प्रोवाइडेड ज्वाइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, तो इसमें जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट ज्वाइंटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज दोनों का मिला करके प्रोवाइड की जाती है। मैनेजमेंट मे बी इंटरेस्टेड टू द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, और मैनेजमेंट प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स पे भी ट्रस्ट करता है। ठीक है, इट कम्बाइंस बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सोशल भी होती है और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव भी इनका होता है, प्रॉफिट अर्न करना भी और एक तरीके से सोशल भी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और ये जो वेंचर ये जो बिजनेसेस होते हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों कैपिटल इसमें प्रोवाइड कर रही है, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट दोनों मिल करके। ठीक है, चलिए अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, इन अ ज्वाइंट वेंचर द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ टू और मोर फर्म्स आर कंबाइंड विच इनेबल्स इट टू ग्रो क्विकली एंड इफिशियंटली। तो ज्वाइंट वेंचर्स में क्या हो रहा है कि कई इंडस्ट्रीज मिलकर के एक कंबाइंड इंडस्ट्री बना रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कैपेसिटी ज्यादा हो जा रही है उनकी फर्म की और ग्रो आसानी से उनकी ग्रोथ हो जा रही है और वर्क भी इफिशियंटली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है एक व्यक्ति अकेले अपना बिजनेस संभाल रहा है, फिर कई लोग कंबाइन होकर के दो तीन बिजनेस को मर्ज करके एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ क्विकली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी कंपनी है और कोई नई कंपनी है, दोनों को हम मर्ज करते हैं तो ठीक है, तो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें पता चलता है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्रीजेस इफिशियंसी एंड देन हेल्प्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं और कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पा रहे हैं, मीन्स हमारा वर्क जो है वो इफिशियंसी से हो रहा है क्योंकि हम एडवांस टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अब हम नए मार्केट में एक्सेस भी कर पा रहे हैं और नेटवर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ए फॉरेन कंपनी गेन एक्सेस टू द वेस्ट इंडिया मार्केट बाय एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद इंडिया कंपनी, तो कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया कंपनी के मार्केट में एक्सेस कर पा रही है क्योंकि उन दोनों का एक में ज्वाइंट वेंचर हो गया है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ द वेल एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लोकल फर्म्स, और वो एक जो वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है लोकल फर्म्स का उसका भी एडवांटेजेस वो ले पा रही है। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन,
Foreign partners in joint ventures have the ideas and technology to develop innovative products and services. तो जो फॉरेन पार्टनर्स हैं, जब हम उनसे कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो उसे हमें नई आइडियाज और टेक्नोलॉजीज मिलती है और उसे हम डेवलप कर पाते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलती हैं. ठीक है, दे हैव एन एडवांटेजेस इन हाईली कम्पिटेटिव एंड डिमांडिंग मार्केट्स. और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होता है मार्केट में, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ला रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एंड लेबर आर कंपेरेटिवली चीप. तो जो रॉ मटेरियल और लेबर होते हैं वो यहाँ पे कंपेरेटिवली चीप होते हैं. ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो इफ वन पार्टनर इज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, दे कैन बी बेनिफिटेड बाय द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर हम एक पार्टनर डेवलपिंग कंट्री का ले लेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चीप मतलब चीपली हमें लेबर मिल जाते हैं. ठीक है, कम पैसे में लेबर मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा वेल नोन ब्रांड नेम्स. और ब्रांड नेम वेल नोन होता है. वेन वन पार्टी हैज वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स एंड गुडविल. सपोज दैट एक पार्टी की मार्केट में अच्छी ब्रांड और गुडविल है और आप उससे टाई अप कर लेते हो, उससे ज्वाइंट वेंचर करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा. ठीक है, इसमें बस यही कहा गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट में PPP कहते हैं. इट मीन्स एन इंटरप्राइज इन विच अ प्रोजेक्ट और सर्विस इज फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस. तो ऐसी इंटरप्राइजेस जो जिनके प्रोजेक्ट या सर्विसेज फाइनेंस किए जा रहे हैं और ऑपरेट किए जा रहे हैं एक पार्टनरशिप में, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइज दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करके उसको ऑपरेट या फाइनेंस कर रही हैं किसी बिजनेस को. ठीक है, तो वही क्या कहलाएंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाती है. जैसा कि आपको इसमें भी दिख रहा है कि एक पार्टनरशिप है और पब्लिक और प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के इस बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए इसके भी फीचर्स देख लेते हैं. फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो सबसे बड़ा फीचर इसका यही है कि ये फैसिलिटेट करती है पार्टनरशिप करने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक साथ. ठीक है, पर्टेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट. तो ये हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस कराती है. सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल होती है. कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं तो ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा तभी सुटेबल होगी. छोटे प्रोडक्ट के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट आप क्यों लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर भी हो पाता है क्योंकि पब्लिक भी मिली हुई है. एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन. तो जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है वो आपकी PPP कहलाती है, यानी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का पार्टनरशिप है, दोनों मिल करके हैंडल करती है उसको. ठीक है, शेयरिंग रेवेन्यू. रेवेन्यू शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन द एग्रीड रेशियो. तो एक एग्रीड रेशियो पे रेवेन्यूज भी शेयर करती हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए ये आज का हमारा एक थॉट है. सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है. ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा है कि सफलता एक दिन में किसी को नहीं मिलती. अगर एक दिन में किसी को सफलता मिल जा रही है तो इसका मतलब है कि उसने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया है और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती. ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हो तो आपको कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है. ठीक है, तो इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे मत हारिएगा. ठीक है, ये आलस उलस अपना साइड में रख दीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा के करिए. चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.